एवरी वन कैसे आप सब उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अलमदुल्ल्या यहाँ पे हम सब भी बहुत अच्छे हैं अच्छा जी उसी रात की कंटिन्यू वीडियो है और मैंने यहाँ पे बनाई थी आलमंड ड्रिंक पहले मैंने सोचा था कि यार इसकी क्या मतलब शूट करना फिर मैंने कहा चलो यार कर लेती हूँ हो सकता है किसी को फायदा ही हो जाए इससे स्पेशली जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए तो ड्रंक बहुत मजे की है क्योंकि पाकिस्तान में वेदर बहुत वार्म रहता है स्पेशल रमज़ान वगैरह में तो ये बहुत रिफ्रेश ड्रंक है अगर आपने नहीं ट्राई की तो आई मस्त से आप जरूर ट्राई कीजिएगा अच्छा जी यहाँ सबसे पहले मैंने आलमिन को पील ऑफ करना था तो मैंने पानी गर्म किया कैटल में और इसके अंदर डाल दिया आप चाहे तो पाँच मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लें ले। मेन वाइल स्किन पील ऑफ हो रही थी तो मैंने यहाँ पे ना फिश को मैरिनेट करने के लिए ना इसका मिक्सचर बनाना शुरू कर दिया यहाँ पे मैंने क्या किया यहाँ पे सबसे पहले फ़िश को मैंने ना लेमन लगा के तो मैं दिखा रही हूँ कि आप कितना भी साफ कर लें इसकी स्किन रह ही जाती है तो बस मैंने यहाँ पे लेमन लगाना है जंजर गार्लिक पेस्ट लगाना है और थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करके उसको ना पाँच दस मिनट के लिए रख देना है पाँच दस मिनट मैंने उससे हार्डली पाँच मिनट रखा था टू बी ऑनेस्ट क्योंकि मैं जल्दी में काम कर रही थी बहुत देर हो रही थी इस वक्त अच्छा यहाँ पे मैंने हर पीस पे इंडिविजुल लेमन रब किया है अगर आपके पास लेमन जूस है तो ऑफको आराम से स्क्वीज़ कर सकते हैं मेरे पास क्यूब में था तो मैंने ऐसे कर लिया यहाँ पे मैं हर एक पे सॉल्ट लगा रही हूँ आप चाहे तो हाथ से लगा ले मुझे ऐसे बेहतर लग रहा था तो मैंने ऐसे लगा लिया सॉल्ट लगाने के बाद आपने इसके ऊपर लगाना है जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको ना पाँच दस मिनट के रख दें पाँच मिनट के लिए रख दें अगर दस मिनट के रख दें तो ज़्यादा बेहतर है पाँच मिनट के लिए आप इसे रख दें मीन वाला आपने इसका ना मिक्चर तैयार कर लेना मैंने एक्चुअली मिक्सर तैयार करना था इसका जो मैंने उसके ऊपर लगाना है मैरिनेशन के लिए तो मैंने इसलिए इसको बस लगा के रख दिया था अच्छा जी यहाँ मैं सेम पकौड़ा मिक्स वाला बेसन डाल रही हूँ यहाँ मैंने तीन टेबल स्पून हिप फुल लिए थे साथ ही इसमें हम घर का स्पाइस मिक्स डालेंगे और चाट मसाला डालेंगे अच्छा मैंने तीन टेबल स्पून ही स्पाइस मिक्स डाला था इसके अंदर और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है साथ ही आपने क्रश अजवाइन ले ले या हाफ टी स्पून ली थी मैंने इसके अंदर मैं डाल दी हल्दी पिसी हुई मिर्चें लाल मिर्चें आप चाहें तो क्रश डालें इज़ टोटली अप टू यू आपने हसबे जयका नमक लेना है अच्छी साथ ही मैंने इसमें वन टी स्पून घर का बना चाट मसाला डाला था वन टी स्पून मैंने इसमें क्रश रेपेपर वन टी स्पून मैंने इसके अंदर डाला था गर्म मसाला आप सब सब मसाले अपने 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 से सहका लीजिएगा क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद है तो इसलिए मैंने स्पाइस ज़्यादा डाले अच्छा मैंने बाद में इसके अंदर कसूरी मेथी भी ऐड की थी जो मैं एक्चुअली तो दिखाना भूल गई थी अच्छा इस फिश को मेरा प्लान है कि मैं इसे या तो बेक करूँगी या तो मैं शैलो फ्राई करूँगी बस आपने इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना मिक्स वो करिएगा अच्छे से मिक्सर इसके अंदर लम्स ले रहे बेसन के आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मिक्स कीजिएगा ज़्यादा पानी मत डालिएगा एक साथ क्योंकि अगर पतली बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी होगी इसको तो इसकी कभी भी मिक्सर की कोटिंग नहीं होगी मतलब मेरीनेशन अच्छी नहीं होगी तो मीडियम कंसिस्टेंसी रंगेगी और इसे फिश में मैरिनेट करने के लिए रहा दीजिएगा फिश का जाकर ज़्यादा अच्छा तब आता है जब इस ओवर नाइट रखते हैं वैसे तो आप फॉरन भी यूज़ कर सकते हैं आफ्टर टू और थ्री आवर्स लेकिन ओवर नाइट अगर मैरिनेशन हो तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है फिश का अच्छा तो मेरी फिश मैरिनेशन हो रही थी आलमंड भी मेरा अच्छे से सूख होकर फिर पील ऑफ हो गए थे जितना अच्छे सोख होंगे उतने आसान से पील ऑफ हो जाते हैं साथ ही मैंने कार्डिमम सीड डाला है अगर आपके पास इसका पाउडर हो इलायची का पाउडर हो होता वो भी डाल सकते हैं मैं हल्का हल्का सा दूध डाल के ना इसका थोड़ा दूध थोड़ डाल के ना इसको ना इसको ग्राइंड करी थी मतलब चॉप करती थी आप चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हैं ब्लेंडर में अच्छा इस ड्रिंक को आप ना दूध में डाल के भी बना सकते हैं और पानी में डाल के भी प्लेन बना सकते हैं लेकिन आपने इसका बहुत कम दूध डालना है आपने कोशिश करनी है कि इसका आपने बिल्कुल पतला सा पेस्ट नहीं बना देना थोड़ा दरदरा सा रखना है इसको अच्छा मेरे पास थोड़ी सी सेफरान भी रखी थी तो मैंने वो भी इसके अंदर डाल दी थी इस टोटली ऑप्शन अगर है तो डाल दे नहीं है तो रहने दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से आप यहाँ इसी कंसिस्टेंसी की लेडी देख सकते हैं ये बिल्कुल पतला सा पेस्ट नहीं है दर थोड़ा दर दरास है और इसको बस इस आप डीफ्रीज करें जब आपने यूज़ करना हो बस इसको लें बल्कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसको कैसे इसका ड्रिंक बनाई थी एंड आई स्वेर इट वॉज वेरी यम ड्रिंक बहुत अच्छा टेस्ट था बहुत रिफ्रेशिंग था बहुत फ्रेश फ्रेश फील हो रहा था मैंने इस वक्त जब मैंने बना के पी थी अच्छा मैंने मिल्क को थर्टी सेकेंड के लिए माइक्रोवेव किया उसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून ना शहद डाला था आप चाहे तो नॉर्मल मिल्क लेना चाहे तो उसे कोल्ड ले लोग कोल्ड पसंद करते हैं वैसे नॉर्मली और ये इतने मज़े का लग रहा था ना कि बस मैं बता नहीं सकती मैं शायद बहुत थकी हुई थी इस वक्त इसे बहुत अच्छा लग रहा था मुझे लेकिन बहुत मज़े का था ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा यहाँ बस इसको मैंने ना क्लिंग रैप से रैप करके डी फ्रिज में रख दिया था अच्छा जी इसको येलो येलो आपको नज़र आया ना मार्क्स ये है सेफ्रॉन के मार्क्स सो नथिंग टू वरी अबाउट ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग साथ साथ मैंने किचन के कैबिनेट भी साफ करनी थी क्योंकि एक साइड तो मैंने सारी क्लियर कर ली थी ये एक साइड रहती थी यहाँ पे अमेजन का एक पार्सल पड़ा है मैं उसको भी अनबॉक्स करूँगी इनशाला आपको दिखाऊंगी क्या था ये यहाँ पे अच्छा जी यहाँ मैंने इसकी सफाई करनी है अब यहाँ पे यहाँ पे शीट रखी हुई थी अच्छा ये शीट ना एक हल्की सी मार्क लगी हुई थी मुझे था ये ऐसे साफ हो जाएगी लेकिन बिल्कुल भी ऐसे साफ़ नहीं उसको अलग से उतार के धोना पड़ा इसको अलग से साफ करना पड़ा सबको अच्छा अगर आप किचन डे टू डे साफ़ करते रहते ना फिर इतना ज़्यादा साफ़ करने वाला होता नहीं है और आपको ना आसानी से आपको सफ़ाई हो जाती है लेकिन अगर आप महीनों में एक दफ़ा करें फिर बड़ी मुश्किल होती साफ़ करना तो यहाँ पर मैंने एक्चुअली हार्डली फोटी फाइव मिनट लगाएंगे पूरे साइड ऊपर नीचे के कैबिनेट साफ़ करने में अच्छा ये रोटेटिंग ट्रे हैं जो मैंने यहाँ पे रखने के लिए मंगाई थी ये मैंने शीन से ऑर्डर की थी इंशाल्लाह शीन को हॉल भी मैं जल्दी लगाऊंगी बस टाइम नहीं दे रहा अच्छा साथ साथ जो चीज़ें री स्टॉक करनी थी लाइक मिक्स ऐसे ही रखे थे कब से बस ये रैप करके मैंने तो उसको मैंने री स्टॉक किया और भी चीज़ें थी वो वो री स्टॉक करने के बाद और साथ साथ मैंने इनको कैबिनेट को साफ भी किया अच्छा ये वाले कैबिनट था ऑलमोस्ट शायद मैंने डेढ़ महीने पहले साफ़ किया था तफसीलन लेकिन आज भी जब मैंने इसको साफ किया तो इतने इतनी ग्रीस सेलोदान आई कहाँ से बस इसके अंदर कैचअप अप माइंड टाइप की चीज़ें रखी हुई हैं और पता नहीं ग्रीस कहाँ से आई इस कैबिनेट को इंडिविजुअली साफ़ करने में मुझे कम से कम पाँच से दस मिनट लगे थे सिर्फ इसको अकेले को साफ़ करने में खैर जब साफ हो गया तो चीज़ें काफ़ी सिमटी सिमटी सी लग रही थी खुशी हुई थी कि यार लग के अच्छा लग रहा है मतलब जे रखी हैं तो आ गया सामान इसके अंदर भी बस अलहमदा रमज़ान से पहले ये वाला सेक्शन भी मैंने कम्प्लीट कर लिया तफीन साथ साथ में खाना बनाई थी एक्चुअली खाना मैंने क्या बनाया था रात को जो मैंने मटन रखा मटन का कीमा था वो रखा हुआ था उसको मैंने सोचा कि ना क्यों ना मटन कीमा आलू बना लूँ क्योंकि मटन ऑलरेडी पका हुआ था ज़्यादा मेहनत नहीं लगनी थी मेरी इस पर बस मैंने प्याज हल्के से लाइट ब्राउन किया उसके अंदर जिंजर गाड़ी का पेस्ट मैंने फ्रेश आ, प्रेस करके डाला पता नहीं मैंने मुझसे चॉप क्यों निकलता है बार बार इसको मैंने प्रेस करके डाला था बस जब जिंजर गाली अच्छे से फ्राई हो गई तो मैंने इसके अंदर डाल दिया मटन का कीमा जो ऑलरेडी एक्चुअली पका हुआ तो था लेकिन बस मुझे था कि चलो फ्रेश एक दफ़ा हो जाएगा ज़रा अच्छा जब मटन अच्छे से फ्राई हो गया ना क्योंकि रात को इसके अंदर ना ऑयल नहीं डाला था तो मुझे इसको फ्राई करना बहुत जरूरत है ऑयल के साथ थोड़ा तो मैंने इसके अंदर चॉप टमाटोज डाल दिया आप चाहें तो नॉर्मल लें बस इसके अंदर मैं थोड़ा सा गर्म मसाला पिसा हुआ धनिया डाला थोड़ी थोड़ी सी हल्दी नमक और मिर्ची डाली और इसको मैंने अच्छे से भून लिया था साथ ही बस मैंने इसके अंदर दो आलू डाले स्मॉल पीसेस करके डाले थे क्योंकि बस आलू ही गला थे थी कीमत तो ऑलरेडी गला हुआ था इसे मैंने इस एक गिलास पानी डाल के इसको दम पे रख दिया था ताकि आलू अच्छे से गल जाए अच्छा मीन वाल आलू गले थे तो मैंने ना हरी मिर्च चॉप कर ली थी मेरे पास अदरक खत्म हो गई तो बस इतना सा पीस था अदरक का तो मैंने यही डाल दिया आपके पास ज़्यादा हो तो ज़्यादा डालेगा अदरक बहुत अच्छी लगती है कढ़ाई टाइप की चीज़ों में या फिर इस टाइप की मटन की चीज़ों में और यहाँ ये ऑलमोस्ट रेडी था बस मुझे डाउट था कि यार आलू गले नहीं गले बस मैं आलू को चाहिए तो मुझे लगा हल्की सी कसर थी तो मैंने इसको ना दो तीन मिनट और रख दिया था दम पर इसको बस मैंने ना हल्की आँच बिल्कुल हल्की दम वाली आँच में ना पाँच से दस मिनट के लिए रख दिया था और देखिए आलू अच्छे से गल गए थे यहाँ पर ये रात के कुछ लेफ्ट ओवर मटर थे तो मैंने कहा ये भी इसमें डाल लेती हूँ तो चले कीमा मटर आलू मतलब रात वाली चीज़ों से ना बन गया और बस जो यहाँ पे आप जी खोल के धनिया डालें और उसको बस नोश फरमाइए अच्छा इसके लिए तो मैं स्पेशल मेरे हस्बैंड को कॉल करके कहा था कि आप ना नान लेके आइएगा साथ क्योंकि मेरा बड़ा दिल चाह रहा है इसको ना नान के साथ खाने का बस यहाँ मैं बैक टू सफ़ाई आ गई थी यहाँ मैं यहाँ चिमनी साफ करी थी ये देखें इसके अंदर की जो जाली थी वो इतनी गंदी हो गई थी अच्छा तीन चार महीने पहले मैंने धोई थी तो मैंने कहा चलो यार इसको अब निकाल के धो लेती थी तब तो सभी चीज़ें धुल रही हैं अच्छा इसको मैंने डिश वॉशर में रख दिया था डिश वॉशर बहुत अच्छे से साफ हो जाती है मतलब अगर आप हाथ से साफ करें तो आपकी छोटे से ब्रश चाहिए तो ताकि इसकी जो जाली है उसमें से अच्छे से ना ग्रीस निकल जाए ऑयलिंग निकल जाए देखिए मैं दिखा रही हूँ कि कितना ऑयल जम गया था ऊपर और आप ये यकीन मानेंगे ये ज़्यादा से ज़्यादा ना आई थिंक पाँच से छः दिन का ऑयल था क्योंकि ये तो मैं जब किचन साफ़ करती हूँ रोज़ के हिसाब से मतलब जब भी मैं कवर चेंज करती हूँ तो मैं साफ़ पूरा साफ़ करती हूँ लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब मैं रमज़ान की प्रिपरेशन कर रही थी तो इतनी कुकिंग हुई है माशा से कि वो सारा जो ऑयल था वो इसी ने एक्चुअली एब्जॉर्व करा ऊपर बट फिर क्योंकि आज मेरा रमज़ान प्रिपरेशन का लास्ट डे तो मैंने कहा चलो अच्छे से इसको सफाई कर ली जाए ताकि रमज़ान में ना ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े अच्छा एडवांस मेरी प्रिपरेशन करने का मकसद भी सारा यही है कि मैं रमज़ान में अच्छे से इबादत कर सको छोटे बच्चे के साथ प्रिपरेशन करना फिर इबादत करना बहुत टफ हो जाता है अच्छा बस मैंने आज मैंने पूरा दिन लगा के ना किचन की टीप क्लिनिंग है अब इनशाला तीन चार महीने अच्छे से गुजर जाएंगे कल इनशाला मैंने हाउस डेकोर करना इनशाला उसकी भी वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगी मैं स्पेशली वो नायल के लिए करती हूँ जब से नाइल ने स्कूल जाना शुरू करा तो वो कहता है क्रिसमस में सब डेकोर होता है तो हम क्यों नहीं करते तो लास्ट ईयर से मैंने सब ये शुरू किया डेकोर वगैरह करना तो इनशाला कल उसकी वीडियो आएगी आप जरूर देखिएगा अच्छा जी यहाँ मैं बना रही थी इसके बाद माश की दाल के और मूंग की दाल के दही बड़े माश की दाल मैंने ली थी डेढ़ कप और मूंग की दाल ली थी मैंने एक कप अच्छा आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कौन से दें बड़े पसंद है माश की दाल के बेसन के अच्छा मुझे बेसन के अच्छे लगते हैं लेकिन माश की दाल के दें बड़ों का कोई कंपैरिजन नहीं है मतलब माश एंड मूंग की दाल के देंड़ों का ये मुझे बहुत पसंद है मैंने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड किए पहले मैंने डाला था नमक अब मैं डाली पीसी भी मिर्च लाल मिर्चें आप चाहें तो इसके अंदर ज़्यादा डाल सकते हैं एज योर टेस्ट मैंने कम डाली थी अब मैंने इसके अंदर थोड़ी से अजवाइन डाली है मैं और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर डाली थी कुटी हुई लाल मिर्चें और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जीरा डाला था अब आपने इसको अच्छे से ग्राइंड करना है और बहुत बहुत कम पानी डालना है आपने इसके अंदर और साथ ही मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल दिया था यहाँ इसको मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ आप चाहें तो इसे ग्राइंड कर लीजिए और जैसे जैसे आप ग्राइंड करते ना वैसे वैसे पानी ऐड करते जाएँ लाइक यहाँ पर मुझे लगा कि पानी नहीं है तो मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड किया और उसको फिर ग्राइंड ब्लेंड किया क्योंकि इसका जो पेस्ट होता है वो थिक कंसिस्टेंसी का होता है इवन अगर आप फ्राई भी कर रहे हैं अगर आप बहुत पतली कंसिस्टेंसी रखेंगे तो वो ऑयल में जाके स्प्रेड आउट हो जाएगी सो so जैसे जैसे जब जब जरूरत हो आप पानी ऐड करते जाएँ और इसे ब्लेंड करते जाएँ ग्राइंड करते जाएँ अच्छा आप ग्राइंड करने के बाद उसको अच्छे से बीटर से बीट करें जितने अच्छे ये बीट हुए होते हैं उतने फ्लफी आपके बड़े बनते हैं यहाँ मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं हैंड से भी बीट करूँ या बीटर निकालूँ तो बस आप देखें मैं इस तरह से इसे बीट कर रही हूँ और ये आप देखिएगा आपको मैं दिखाऊंगी भी कि अगर ये बहुत फ्लफी हैं तो इसकी क्या निशानी है कि ये फ्लफी हैं जी मैंने से दो से तीन मिनट लगा के अच्छे से बीट किया और आप देखिए मैं इसे एक्सपेरिमेंट करके दिखा रही हूँ पानी लिया और इसके अंदर मैंने इसका ये मिक्सचर डाला अगर मिक्सचर आपके पानी के सरफेस पर रहता है तो इसका मतलब ये बहुत अच्छे से बीट हुए हैं बहुत फ्लफ़ी है ये अगर ये तह में बैठ जाते तो ये फ्लफ़ी नहीं है इसका मतलब है आपने अभी थोड़ा और बीट करना है अच्छा यहाँ पे एक मैंने मफिन ट्रे ली इसको मैं ग्रीस कर रही हूँ यहाँ पे मैंने ऑयल से ग्रीस किया था आप चाहे तो बटर पेपर रख लें इसके अंदर चाहे तो इसके कप केक के जो आपके पेपर्स आते हैं वो रख लीजिए अच्छा इसको अच्छे से ग्रीस करने के बाद आपने वन एंड हाफ़ टेबल स्पून इस मिक्सचर को डाल देना है बहुत ज़्यादा मुंह तक नहीं भरना अच्छा कुछ मैंने बेक किए थे कुछ मैंने स्टोव पे बनाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था बेकिंग टू भी मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर आप स्टोव पे बना रहे थे तो वो जल्दी बन रहे थे और जो आपने बेकिंग करनी थी उसको बेकिंग होने में टाइम लग रही थी बेकिंग में बारह से पंद्रह मिनट लग रहे थे जबकि स्टोव पर जल्दी बेक मतलब बन रहे थे बस इस ट्रे को मैंने ना इसके अंदर ओवन में बेक होने रख दिया था चौदह मिनट के लिए और यहाँ मैं स्टोव पे बनाऊंगी और स्टोव पे यकीन मैं जितने में मैंने दो स... उतारे थे ना मतलब दो बैचेज निकाले थे इसके वहाँ पे एक ही रेडी हुआ था उसका अच्छा बस आपने इसे अच्छे से ग्रीस कर लेना फिर एक से डेढ़ चम्मच मिक्सचर पोर करना बहुत है बहुत ज़्यादा बड़े अगर बड़े टाइप के बनाने चाहते हैं लाइक बिग साइज़ में बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन मुझे इतनी अच्छी लगती मीडियम साइज़ में बस ऐसे करके ना मैंने काफ़ी सारे डाल दिए थे शेप पर मजा आएगा ये मतलब क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं ऐसी चीज़ कि मैं इसे पोर कर सकूँ अच्छा मेरे पास यहाँ पे कुछ टिके टिक्के के पीसेस पड़े थे तो मैं इसकी मैरिनेशन करके रख रही थी दही में मैंने बस लहसन अदरक का क्यूब डाला था और उसे मेल्ट होने के लिए रख दिया था थोड़ी देर के लिए और ये जो बड़े हैं ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे हर साइड को आपने दो से तीन मिनट रखना है फिर उसको पलटना है अगर आप इसे जल्दी पलटेंगे तो ये टूट जाएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली ये डन हो चुके हैं और जितने में ये एक बैच डन हुआ था वो अभी तक ओवन में ही रखा हुआ था और जो मैंने ओवन में मिक्सचर रखा था वो अभी रखा ही था तो आई वुड से अगर आप ओवन में बना रहे हो कंपैरेटिवली स्टोव पे बना रहे हो तो आप स्टोव पे बनाएं जल्दी बन जाएंगे ओवन में बहुत टाइम लग रहा था बनने में तो यहाँ बस मैं इसकी मैरिनेशन भी रेडी कर रही हूँ चिकन मैंने सुबह से धो के रखी हुई थी यहाँ पे मैंने इसके अंदर लसन डॉ पेज डाला था मैंने हाथ से जरा से तोड़ा फोड़ा तो ये खुल गया था आसानी से इन द मेन टाइम ये भी रेडी हो गए थे देखिए बहुत अच्छे से बन गए थे ये आप दूध बिक डाल के या फिर इसी तरह नाइफ डाल के आप चेक कर सकते हैं अगर सारे क्लियर निकल के आ रहे हैं तो वैसे तो मैंने सारे ऐसे आपको करने के लिए दिखाया था अगर आप एक भी करके निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि गल चुके हैं आई मीन बेक हो चुके हैं और मैं आपको दिखा भी रही हूँ कितने फ्लफी बने थे ये अच्छा इन नमीन वाल मेरा ना सेकंड बैच भी हो गया तो यहाँ लसन अंदर क्योंकि मैं क्यूब डाली थी ये भी खुल गई थी अच्छे से अच्छा मैंने इसके अंदर कुछ फैंसी नहीं डाला था बस मैंने इसके अंदर एक टिक्का मसाला डाला था और एक बारबिक्यूस मसाला डाला था आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं ये आप शान का ले लें रज़ा का ले लें मोर नफे इवन अगर टिक्का मसाला भी डाल देते ना बस इसके अंदर तो भी डन हो जाता है बस आप इसे अच्छे से मिक्स करें और अपनी जो चिकन है इसका पूर कर दें आप चाहे तो इसे डीप फ्राई करें चाहे तो इसे बेक करें चाहे तो आप एयर फ्राई कर लें मैं नॉर्मली एयर फ्राई करती हूँ और जनाब आपके झटपट से टिकके तैयार हैं कोई मेहनत नहीं लगी और आपके टिक्के भी तैयार हो गए अब बस मैंने इसे ना बैग्स में डाल देना और इसको फ्रीज़ कर देना है साथ साथ मैंने दस से पंद्रह मिनट वेट किया था कि जो ये सारे मेरे बड़े हैं ना ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएँ अगर रूम टेम्परेचर में नहीं है और आप ऐसे ही रख देंगे तो बहुत सौगी हो जाते हैं ये ये नाइल ना के बाइट ली थी इसकी उसे लग रहा था मैंने कुकीज़ बनाई हैं इसलिए आज का ब्लॉग बस यहाँ एंड करते हैं इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा मुझे दो हम याद रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो थैंक यू अल्लाह हाफिज़